कलयुग में समस्त पापों का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। क्या आपने इस विषय पर कभी विचार किया है कि आखिर क्यों श्रीमद् भागवत पुराण कथा में सात गांठों वाले बांस को स्थापित किया जाता है? इस विषय को विस्तार से जानने के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर में आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था, जो धर्म के मार्ग पर चलने वाला और बहुत शांत स्वभाव का था। उसकी एक धुंधली नाम की पत्नी थी, जो दुष्ट स्वभाव और कलह क्लेश करने वाली थी। आत्मदेव धन से परिपूर्ण था, किंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन वह इसी दुख में घर को त्याग कर वन की ओर चला गया और वहां एक तालाब के पास बैठकर विलाप करने लगा। तभी वहां पर एक साधु आ गए, जिन्हें देख आत्मदेव उनके चरणों में गिर गया और रोने लगा। उसे रोता देख साधु बोले, बच्चा, तुम इतना क्यों विलाप कर रहे हो? आत्मदेव बोला, हे महाराज, आप तो सिद्ध पुरुष हैं और मेरी चिंता का कारण भी जानते हैं। उसकी बात सुनने के पश्चात साधु ने ध्यान लगाकर देखा और बोले, आत्मदेव, तुम संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हो और इसी कारण विलाप कर रहे हो, किंतु तुम्हारे भाग्य में संतान प्राप्ति का योग नहीं है। साधु की बात सुन आत्मदेव हट करने लगा और बोला, हे महात्मा, यदि आपने इस समस्या का हल नहीं निकाला तो मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि बिना संतान का जीवन मेरे किस काम का। साधु ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, किंतु उसने उनकी एक ना मानी और हट पर अड़ा रहा। उसकी ऐसी हालत देख साधु को उस पर बहुत दया आ गई और उसे एक फल देकर बोले, ये फल तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान प्राप्त हो जाएगी। आत्मदेव साधु से फल प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हो गया और खुशी खुशी अपने घर आ गया और अपनी पत्नी को फल देकर बोला, यह फल एक साधु के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है, जिसे खाने से हमें संतान प्राप्त हो जाएगी। यह कहकर वो घर से बाहर चला गया। धुंधुली बहुत दुराचारी थी, उसने फल तो ले लिया किंतु उसे खाया नहीं और अपनी सहेली को कहने लगी कि मैं गर्भ धारण करके इतनी परेशानियों को सहन नहीं कर पाऊंगी और उससे मैं कितनी कमजोर हो जाऊंगी, जिससे घर का काम भी नहीं कर पाऊंगी। इससे अच्छा तो यह है कि मैं सारे जीवन बांझ ही रहूं। यह सोचकर उसने फल नहीं खाया और वो फल गाय को खिला दिया। आत्मदेव के पूछने पर उसने झूठ बोल दिया कि उसने फल खा लिया है। कुछ समय पश्चात धुंधुली की बहन उससे मिलने आई और धुंधुली को विचलित देख उसका कारण पूछने लगी। धुंधुली ने अपनी बहन को सारा वृतांत सुनाया, जिसे सुन उसकी बहन ने एक युक्ति निकाली और बोली, बहन, मैं गर्भ से हूं और मैं तुम्हें अपनी संतान दे दूंगी, जिसके बदले में तुम मेरे पति को कुछ धन दे देना, मैं उस बालक का पोषण भी कर जाया करूंगी। बस अब तुम्हें कुछ समय के लिए गर्भवती होने का नाटक करना होगा। बहन की बात सुन धुंधुली ने ऐसा ही किया। कुछ समय पश्चात उसकी बहन के यहां पुत्र पैदा हुआ, जिसे उसने धुंधुली को दे दिया। पुत्र प्राप्त होने के बाद धुंधुली ने आत्मदेव को यह समाचार दिया, जिसे सुन वह बहुत खुश हो गया। फिर धुंधुली अपने पति से बोली,
मेरे दूध में कमी है और मेरी बहन की संतान उसकी गर्भ में मर गई है, तो क्या मैं अपनी संतान के पोषण के लिए उसे बुला लूं? आत्मदेव से आज्ञा प्राप्त कर उसने अपनी बहन को बुला लिया और वो उस संतान का पोषण करने लगी। उस पुत्र का नाम धुंधकारी रखा गया। उधर वह गाय जिसको धुंधली ने वो फल खिलाया था, उसकी गर्भ से भी एक मनुष्य रूप वाला पुत्र पैदा हुआ। उससे एक तेज उत्पन्न हो रहा था जिसका आत्मदेव ने गोकर्ण नाम रखा। गोकर्ण बहुत धार्मिक था और बचपन से ही मोह से परे था, और धुंधकारी बहुत अधर्मी और पापी था। चोरी करना, लोगों को बुरा भला कहना और वैश्यागामी भी था। पिता का सारा धन उसने वैश्याओं को दे दिया था। यह देख आत्मदेव बहुत दुखी हुआ और दुखी होकर आत्महत्या करने का विचार करने लगा। गोकर्ण ने आत्मदेव को समझाया कि उन्हें मोह त्याग कर भगवान का भजन और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने का ज्ञान दिया। गोकर्ण की बात सुन आत्मदेव वन में चला गया और भक्ति से श्रीमद् भागवत का पाठ करने लगा, जिससे उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। पिता की मृत्यु के पश्चात धुंधकारी अपनी माता पर और ज्यादा अत्याचार करने लगा। अपनी माता से धन लेने के लिए उसे मारने पीटने लगा। उसके अत्याचारों से तंग आकर उसकी माता ने भी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। माता पिता की मृत्यु के बाद धुंधकारी 5 वैश्याओं के साथ घर में रहने लगा। धुंधकारी के पास सारा धन खत्म होने के बाद वो वैश्याएं उससे और धन की मांग करने लगी। उन्हें संतुष्ट करने के लिए धुंधकारी ने चोरी कर बहुत धन इकट्ठा कर लिया। इतना सारा धन देखकर वैश्याओं ने सलाह बनाई कि राजा एक ना एक दिन तो इसे चोरी के अपराध में पकड़वा कर मृत्युदंड दे ही देगा, तो क्यों नहीं हम इसे आज ही मार दें। उन्होंने धुंधकारी को रस्सियों से बांध कर उसे फांसी लगा दी और उसके चेहरे पर जलते हुए अंगारे डालकर उसे मार दिया और उसी घर में गड्ढा खोदकर दबा दिया। इस तरह की मृत्यु पाकर वह प्रेत बन गया और वायु भक्षण कर इधर उधर भटकने लगा। उधर गोकर्ण को जब भाई की मृत्यु का पता चला तो उसने भाई की मुक्ति के लिए गया जी में जाकर उसके लिए श्राद्ध किया। कुछ समय पश्चात गोकर्ण अपने नगर वापस आया और रात को अपने घर के आंगन में सो गया। तभी एक विशाल प्रेत उसके आसपास घूमने लगा, जिसे देख गोकर्ण ने पूछा, तुम कौन हो? प्रेत की आवाज नहीं निकल पा रही थी। तभी गोकर्ण ने मंत्र पढ़ उसके ऊपर पानी के छींटे मारे, जिसके पश्चात वह बोला, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं और प्रेत योनि में आ गया हूं। भाई कृपया करके मुझे इस योनि से मुक्त कराइए। धुंधकारी की बात सुन गोकर्ण मन में विचार करने लगा कि यदि गया जी में श्राद्ध करने के बाद भी यह प्रेत योनि में ही है, तो अब इसे कैसे मुक्ति प्राप्त होगी। अगली सुबह गोकर्ण ने सूर्यदेव की प्रार्थना की, जिससे प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें दर्शन दिए और बोले, श्रीमद् भागवत का सप्ताह करने से ही ये प्रेत योनि से मुक्त हो सकता है। सूर्यदेव के वचन सुन गोकर्ण ने भागवत सप्ताह यज्ञ आरंभ किया, जिसे सुनने के लिए समस्त नगरवासी आ गए। धुंधकारी भी बैठने के लिए स्थान देखने लगा, लेकिन उसको कहीं स्थान नहीं दिखा। तभी उसकी दृष्टि एक 7 गांठों वाले बांस पर पड़ी और वो उसमें जाकर बैठ गया। पहले दिन का पाठ संपूर्ण होने के पश्चात बांस की पहली गांठ फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, और ऐसे करते करते 7वें दिन 7 गांठें फट गई और उसमें से
धुंधकारी श्वेत वस्त्र पहने बाहर आया। बाहर आकर उसने गोकर्ण को प्रणाम किया और बोला, भाई तुम्हारे कारण ही मैं प्रेत योनि से मुक्त हो सका हूं। तभी भगवान के पार्षद वहां विमान लेकर आए और धुंधकारी को उसमें बिठा लिया। यह देख गोकर्ण बोले, हे पार्षदों, तुम केवल धुंधकारी को ही क्यों लेकर जा रहे हो? धुंधकारी के समान ही इन नगरवासियों ने भी इस कथा का श्रवण किया है, तो तुम इन्हें क्यों नहीं लेकर जा रहे? यह सुन पार्षद बोले, सभी श्रोतागण में से केवल धुंधकारी ही था जिसने भक्ति पूर्वक ध्यान लगाकर इस कथा का श्रवण किया, इसलिए इसे भगवान प्राप्त हुए। गोकर्ण ने जब दूसरी बार सावन में श्रीमद् भागवत यज्ञ किया, तब सभी नगरवासियों ने ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण किया, जिससे उन सबको भी भगवान प्राप्त हुए। श्रीमद् भागवत कथा में इसी कारण 7 गांठों वाले बांस को स्थापित किया जाता है। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।